बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रेडियो कतर है अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए इब्तदा में पेश हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ साहिबिस मुअमीर ने सऊदी अरब के वलीहद नायब वजर आज़म और वजी दिफा को एक तहरीरी पैगाम पैगामसार किया है साहिब इस अमीर के हिदायत के मुताबिक कतर तरक्याती फंड एफ डी की जानब से मेडिकल एड पर एक शिपमेंट पाकिस्तान के दारकूमत इस्लामाबाद पहुंच गई है दीवानी अमीरी में कतर की काबीना का हफ्त रोजा इजलास मुनद हुआ है और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुजशतर चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद दो सौ सत्ताईस मरीज सेहतियाब हो गए हैं जिसके बाद इस मर्ज से शिफा पाने वाले अफराध की मजमू तादाद अब दो लाख अट्ठाईस हजार चौरानवे हो गई है ये थी खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों से बाद तफी खबरें नशर की जायेंगी खबरें सुनिये साहिब इसम आमिर शेख तमीम बिन अहमद अलतानी ने सऊदी अरब के वलीहद नाब वजर अजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को एक तहरीरी पैगाम इशाल किया है जिसका ताल्लुक दोनों बिदर ममालिकलुकात और उन्हें मजदूद फरोग देने और मजबूत बनाने से है पैगाम में मौजूदा अहम तरीन इलाकई और बैन अवी हालात और वाकत का भी जिक्र किया गया है नाब वजरजम और वजी खारजा शेख महमद बिन अब्दुलरहमान अलतानी ने नियम सिटी में सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात की और उन्हें साहिबसम आमिर का मस्कुरा पैगाम पहुंचाया इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उन्हें फरोग देने के बहस आए और बाहमी दिलचस्पी के मुतद इलाकई और बैन अलावा मामलों के बारे में तबादला ख्याल किया गया साहिबसम अमिर शेख तमीम बिन हमदानी की हिदयात के, के मुताबिक कतर तरक्याती फंड एफ डी की जानब से मेडिकल एड पर एक शिपमेंट इस्लामाबाद पहुंच गई है यह मेडिकल एड पाकिस्तान में कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के सिलसिले में हुकूमत की जानब से की जाने वाली कोशिशों को सपोर्ट करने और कामयाब बनाने के मकसद के तहत रवाना की गई है दीवान अमीरी में वजी आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज तानी की सदारत में कतर की काबीना का हफ्त रोजा बायदा अजलास मुनद हुआ है जिसके दौरान काबीना ने नायब आजम और वजी खारजा शेख मोहम्मद बिन अल तानी के उस फैसले के मुसवदे की मंजूरी दी जिसका ताल्लुक कतर में चंद ग्रुप्स को एंट्री वीजा और रेजिडेंस परमिट्स इशू करने के रेगुलेशन से है काबीना ने बाद में अजलास के एजेंडे में शामिल मौजूद पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादर किए। कतर ने ऐलान किया है कि वह अपने बैन अलावी शराकत दारों के साथ मिलकर अफगान शहरियों और दोस्त ममालिक बाशिंदों और सहाफियों को अफगानिस्तान से निकालने के सिलसिले में मुसलसिल कोशिशें जारी रखे हुए है जिनका मकसद इन तमाम लोगों को अफगान सरजमीन से काबुल के बैन अलावी हवाई अड्डे तक महफूज रास्ता फराम करना और फिर उन्हें कतर एयरवेज के खसूसी परवाजों के जरिए दोहा मंतक करना है इस बात का इंकशाफ जिनी में अकाम मुतहदा के दफ्तर में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफीर अली खलफान अल मंसूरी ने अव मुतहद की कौंसल बर इंसानी हकूक के इकतीसवें खसूसी इजलास से खिताब करते हुए किया उन्होंने कहा कि कतर अफगानिस्तान के अंदर अमनों इसकाम के असूल के लिए कोशिशों को तेज तर करने का आजम रखता है उन्होंने कतर के इस आजम का भी इदा किया कि वह अफगानिस्तान के अवाम के पुरन और बाइजत तौर पर जिंदगी गुजारने के हकूक की हिमात करता है और उनकी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिशात का एहतराम करता है नायब वजी अजम और वजीर ममलकत बरयमर दिफात डॉक्टर खालिद बिन महम्मद अलातिया ने जो इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं डिफेंस सिक्योरिटी को आपरेशन एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेट जनरल चार्ल्स हुपर से मुलाकात की है जिसके दौरान दोनों दोस्त ममालिक फौजी ताल्लुक और इन्हें फरोग देने के वसायल के बारे में तबादला ख्याल किया गया नायब वजर अजम और वजीर मुमलकत बरम दिफा ने अमरीकी रियासत मैसूरी के शहर सेंट लुइस में बोइंग डिफेंस स्पेस और सिक्योरिटी के चीफ एग्जेक्टिव आफिसर के साथ भी मुलाकात की है जिसके दौरान कतर की वजारत दिफा और बोइंग के दरमियान मुश्तरक का, का जायजा लिया गया कतर ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट शेख जुआन बिन जुआन बिन हमद अल्तानी ने कहा है कि कतर गेम्स टोक्यो 2020 में सोने के दो और कांसी का एक मेडल हासिल करने की तारीखी कामयाबी ने इस से अगले लेवल में पहुंचा दिया है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे उन्होंने साहिब मामिर शेख तमीम बिन हमद अल्तानी का शुक्रिया अदा किया जिनकी सरपरस्ती सपोर्ट और हौसला अफजाई की वजह से कतर में खेलों को प्रमोट करने में मदद मिली है सुप्रीम कमेटी बराये तरसील और वर्षा ने ऐलान किया है कि उसे वॉल्टियर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड कप 2022 और खेलों के दीगर इवेंट्स के लिए रजाकराना तौर पर काम करने के लिए तीन लाख अस्सी हजार से ज्यादा दरखास्तें मौसू हुई हैं कतर के हिलाल अहमद क्यू आर सी ने लुबनान के अंदर शाम के महाजरीन में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है ये प्रोजेक्ट तराबलिस के सरकारी हॉस्पिटल की शराखत से मुकम्मल किया जाएगा जहां कैंसर के पेशेंट्स को अद्वियात की फरामी और सर्जरी की सहूलतें हासिल होंगी अवमी जमहरिया चीन में कतर के सिफारत खानी ने शिमाल मगरबी चीन के नंगज याहुआ खुदमुख्तार इलाके में चीन अरब ममालिक की पांचवी एक्सपो नुमाइश में शिरकत की है इस नुमाइश की वेबसाइट पर कतर में खेलों के स्टेडियम और सन दो हजार बाईस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के साथ साथ कतर के अहम बाजारों और सियाती मकामा की कई तस्वीर शाये की गई है ये नुमाइश चीन और अरब ममालिक के लिए बेल्ट एंड रोड मनसूबे की मुश्तरक तौर पर तामीर के हवाले से बड़ी अहमियत रखती है इस नुमाइश के जरिए चीन और अरब ममालिक दरमियान मुख्तु शोबों में चौबीस बिलियन डॉलर के दो सौ सतहत्तर समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक इंफार्मेशन क्लीन एनर्जी नए मटीरियल्स और हेल्थ केयर के शोबे काबिल जिक्र हैं ये खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 216 सो नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं जिनमें से एक का ताल्लुक मुकीम लोगों से है जबकि अट्ठावन केसेस का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं वजारत ने गुजशत चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद दो सौ सत्ताईस मरीजों के सेहत सेहतियाब जाने की भी तस्दीक की है जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराध की मजमू तादाद अब दो लाख अट्ठाईस हजार चौरानवे हो गई है वजारत सेहत ने क़वत मुदाफत की डेफिशंसी यानी कमी से मुतालिक बीमारियों का शिकार मरीजों को कोविड नाइन्टीन की फाइजर बायट्रेक और मडरना वैक्सीन्स की तीसरी डोज लेने की इजाजत दे दी है वजारत का कहना है कि यह मंजूरी अमरीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और अमरीका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानव से हाल ही में जारी करदा इजाजतनामे के बाद दी गई है वजारत सेहत का कहना है कि उन अफराद से जो तीसरी डोज लगवाने के अहल हैं बरह रास्त प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के जरिये या फिर हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में उनके ट्रीटमेंट की निगरानी करने वाली खसूस टीम के मेम्बर के जरिये रहा किया जायेगा कतर की हुकूमत ने कोविड 19 से मुतालिक अपने कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक अहम संगे मील तय कर लिया है जिसके मुताबिक 20 लाख अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजे दे दी गई हैं। वजारत ने उन लोगों से जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई अपील की है कि वो अपनी और अपने खानदान के अफराद की हिफाजत करते हुए जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं और मुल्क को मामूल की जिंदगी में वापस लाने में हुकूमत के साथ ताउन करें नई दिल्ली से आमदा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की हुकूमत ने मुल्क की तमाम रियासतों को कोविड 19 वैक्सीन की कई मिलियन मजीद डोजे सप्लाई करने का ऐलान किया है जिसका मकसद अगले माह सितंबर के अवाइल में तमाम स्कूलों के टीचर्स को वैक्सीन लगाने के काम को मुकम्मल करना है एक आषार तीन बिलियन की आबादी वाले इस मुल्क में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स महीनों से अपने घरों में बैठे हैं जबकि ऑनलाइन एजुकेशन की अक्सर स्टूडेंट्स को रसाई हासिल नहीं है वजारत दाखिला में मुलका अथॉरिटीज ने एक सौ चौरासी अफराद को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है इन अफराद ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल एहतियाती तदाबीर और पाबंदियों की खिलाफवर्जी की थी इनमें से एक सौ सत्तावन अफराद ने पब्लिक मकामा पर मास्क इस्तेमाल नहीं किया था और बाईस लोगों ने सेफ डिस्टेंसिंग की पाबंदी की खिलाफवर्जी की थी जबकि पांच अफराध ने अपने सेलफोन्स में एतराज एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की थी इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अफगानिस्तान में अकोम मुतहदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि मुल्क के अंदर दस मिलियन बच्चों को इंसानी इमदाद की अशा जरूरत है इसी दौरान में अवदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी दो सौ मिलियन डॉलर्स की फूड एड की अपील की है आखिर में ने सऊदी अरब के वलीब वजी आजम और वजी दिफा को एक तहरी पैगाम किया है के के की हिदायत के मुताबिक कतर तरक्या फंडी की जानब ऐसी मेडिकल एड पर मुश्तमिल शिपमेंट पाकिस्तान के दारकूमत इस्लामाबाद पहुँच गई है दीवानी अमीरी में कतर की काबीना का हफ्तो रोजा बाजला मुनद हुआ है और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुजशत चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद दो सौ सत्ताईस मरीज सेहत सेहतियाब हो गए हैं जिसके बाद इस मर्ज से शिफा पाने वाले अफराध की मजमू तादाद अब दो लाख अट्ठाईस हजार चौरानवे हो गई है रेडियो कतर से खबरों का का आज का पहला बुलेटिन ख़त्म असलकम दोस्तों मैं हूं शेख नूर आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिक लगी होगी इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए न्यू टेम ट्वेंटी फोर बार सेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए शुक्रिया